नमस्कार दोस्तों, क्या हो रहा है आजकल। चलिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जिससे आप महीने के 10 से 15 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म है हमारा डेली हंट। आप डेली हंट पढ़ते होंगे न्यूज अपने मोबाइल में, अपने ब्राउजर में। तो हम आइए आज आपको बताते हैं किस तरीके से आप डेली हंट में अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब आप डेली हंट से भी कमा सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं डेली हंट से कैसे कमाया जाता है या कैसे क्रिएटर बना जाता है, तो इसका वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं किस तरीके से आप वीडियो हंट के क्रिएटर बन सकते हैं। उसमें आप नए नए वीडियो पोस्ट डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, और जितने लोग आपका वीडियो इमेज आर्टिकल देखेंगे उतना आपको अर्निंग होगा। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, लोग सोचते हैं कि इसमें कहीं भी बैंक अकाउंट ऐड करने का नहीं होता है। तो इसको उसको हम बता दें कि इसमें बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन नहीं होता है। ये आपको 2, 3, 4 दिन, 6 दिन बाद या 1 सप्ताह बाद आपको मिलता है। जैसे ही आप डेली हंट अकाउंट खोलते हैं, कुछ पोस्ट डालते हैं, उसके बाद 3, 4 दिन बाद या 2 दिन बाद आपको एक मेल आएगा गूगल फॉर्म में। उसमें आपको बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अपना नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये सब डालना होगा। इसके बाद वो आपको सबमिट कर देंगे। उसके बाद ही आपका अगर 1 महीने में जितना व्यू आया है उसके हिसाब से काउंट करके आपको पैसा इनवाइस देगा। उसके बाद आप एक इनवाइस साइन करके आप भेज देंगे। उसके बाद वो आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल देगा। ये होता है डेली हंट का। तो आइए हम शुरू करते हैं किस तरीके से आप अपने डेली हंट में बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, क्या कर रहे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आप डेली हंट में अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ देखते होंगे कहीं भी आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का नहीं होता है। अगर आप अपने अकाउंट में भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको ये नहीं दिखाई देगा। बस आपको ये फॉलोवर, पोस्ट, व्यू, कमेंट और शेयर ही बस दिखाई देंगे। और यहाँ पर आपको चैटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा जिससे आप डेली हंट से बात कर सकते हैं। तो ये होता है आपका डेली हंट का। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, आर्टिकल, वीडियो, इमेज, फोटो गैलरी। मगर कहीं भी आपको बैंक अकाउंट कैसे लिंक किया जाए, इसका पैसा कैसे हमारे अकाउंट में है। अगर आप डेली हंट में क्रिएटर हैं, पोस्ट करते हैं, वीडियो, आर्टिकल, तो मैं आज आपको बताऊंगा किस तरीके से बैंक अकाउंट में आप पैसा मंगवा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जी गुरु जी चैनल, मैं हूँ गोपाल कुमार। तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं। हम आ गए हैं डेली हंट पे। डेली हंट पे हमें जोड़ना है अपने बैंक अकाउंट को। तो आपको 1, 3 या 4 या 2 दिन बाद एक मैसेज आएगा। मैसेज आपको आएगा इस तरीके से कि बैंक डिटेल आप डी क्रिएटर गूगल फॉर्म में आपको आएगा। ये आपको बैंक डिटेल ऑफ द DS क्रिएटर डेली हंट क्रिएटर के लिए है। ये आपको भर के जमा करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जाएंगे फिल फुल आउट फॉर्म, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये अगर आपके पास मैसेज नहीं आया है तो आप यहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हैं डेली हंट पे, ठीक है। यहाँ पे आप जाके चेकिंग कर सकते हैं कि मेरा जो मैसेज है वो नहीं आया। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप उसको बैंक डिटेल भरेंगे, पूरा ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप भरेंगे, फिर एड्रेस, फिर बैंक नेम, फिर पिन कोड। दोस्तों आपको डेली हंट क्रिएटर पे बैंक अकाउंट जोड़ने के लिए आपको अपने जीमेल पे जाना होगा। जब आप जीमेल पे जाएंगे तो आपको इस तरीके से बैंक डिटेल फॉर DS क्रिएटर का आया होगा। 1 या 2 दिन बाद आ सकता है। देखिए 6 दिन पहले ये आया था मेरे, 10:05 AM पे सुबह आया था। तो आपको यहाँ पे जाना है सिंपल फुल आउट ऑफ फॉर्म। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज खुल जाएगा, बैंक डिटेल ऑफ DS क्रिएटर रिक्वायरमेंट है, ईमेल एड्रेस आपको लगेगा, एड्रेस आपको लगेगा, फिर योर निक नेम बैंक नेम लगेगा, जो बैंक एड्रेस है उसका लगेगा, फिर उसके बाद अकाउंट नेम लिखेगा और बैंक रिकॉर्ड जैसे आपका बैंक में रिकॉर्ड है, अकाउंट नंबर लगेगा, IFSC कोड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, कैंसिल चेक लगेगा, फिर पैन कार्ड लगेगा, और फिर उसके बाद इसको आपको सबमिट कर देना है, जिसके बाद आपका डिटेल डेली हंट के पास चला जाएगा, वो आपको पेमेंट इसमें भेज देगा।